माता की प्राण विषम। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम उनको भी जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। भारत माता के ऐसे सपूत जिन्होंने केवल देश में नहीं विदेश की धरती पर जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा कि मंत्र का उद्घोष करते हुए अगर देश की पवित्र धरती पर तिरंगा सबसे पहले फहराया था आजाद भारत में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, सभी अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। मित्रों, हम ना भूलें उनको जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकल छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। मित्रों, अद्भुत देश है हमारा, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। जब दुनिया के पश्चिम के राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।